नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, खबर उत्तर प्रदेश से। आज मिर्जापुर निकाय के अंतिम चरण के चुनावों के लिए चुनाव आयोग से पोलिंग पार्टियां सुनिश्चित किए गए मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो चुकी हैं। आज सुबह से ही मतदान कार्यों में लगाए गए कर्मचारी जीआईसी स्कूल पर बने कंट्रोल रूम से मतदान सामग्री ले अपने अपने पोलिंग केंद्रों की ओर रवाना हुए। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वसीम खान ने बात की मिर्जापुर के अधिकारी विमल कुमार दुबे और पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी से। आइए सुनते हैं। जिला मिर्जापुर में आपको पता ही है कि हम लोग 29 तारीख को निर्वाचन संपादित करा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारियां हैं। जिला मिर्जापुर की नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में 246 पोलिंग पार्टीज हैं जो 71 पोलिंग सेंटर्स के ऊपर चुनाव कराएंगी, और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी पोलिंग पार्टीज़ के द्वारा सामान ले लिया गया है और अब लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर सभी पोलिंग पार्टीज़ अपने अपने मतदेय स्थलों पर रवाना हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काफ़ी पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगाया गया है। हर पोलिंग पार्टी में एक महिला की तैनाती की गई है ताकि यदि कोई पर्दानशी महिला हो तो उसकी पहचान की जा सके। सभी पोलिंग पार्टीज़ को इस बात के सख्त निर्देश कि वे किसी का आतिथ्य स्वीकार ना करें और निष्पक्ष मतदान कराएं। हमने एक व्यवस्था ये भी की है कि अगर पोलिंग पार्टीज चाहें तो हर विद्यालय में एक मिड डे मील किचन है। उस किचन के सभी कर्मचारियों को ये निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन के दिनों में आज और कल वे वहीं मौके पर मौजूद रहेंगे और पोलिंग पार्टी की सहमति से यदि उन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो उनके चाय नाश्ते खाने का इंतज़ाम भी करें। हमारे यहाँ पर हमने जो चिन्हित किया है उसके अंदर हमारे करीब 51 मतदान केंद्र हैं जिनको हमने संवेदनशील माना है। इसके अलावा 10 सेंटर्स को हमने अतिरिक्त संवेदनशील माना है, और जिन HS प्लस कैटेगरी के हाइपर सेंसिटिव प्लस कैटेगरी के पोलिंग स्टेशंस हैं उनके ऊपर हम लोगों ने वेबकास्टिंग की व्यवस्था करी है। टोटल पोलिंग सेंटर्स में अगर आप देखें तो लगभग हमारे यहाँ पर 25 केंद्रों पर हम लोग वेबकास्टिंग की व्यवस्था करा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी संवेदनशील मतदेय स्थल हैं उन 51 मतदेय स्थलों पर हम लोगों ने वीडियोग्राफी की व्यवस्था करी है। इसके अलावा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए 6 ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की गई है। तो मैं समझता हूँ कि पूरा मुकम्मल व्यवस्था हमारे पास है और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसके मुताबिक हम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमारे ज़िले में लगभग 1300 सुरक्षा बल जो है हमारे यहाँ से ड्यूटी लगी है और लगभग 800 हमारे पास में बाहर से हैं। इसके अलावा 30 कंपनी PAC आई है जो हमारे HS प्लस अति संवेदनशील केंद्र हैं, वहाँ पर सभी जगह से आच्छादित किया गया है। 4 बूथ से ज़्यादा सारे सेंटर्स को आच्छादित किया गया है PAC से। इसके अलावा 6 ड्रोन कैमरे भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा 18 बैरियर है हमारे, 24 पिकेट हैं जो हमारे काम करेंगे स्टैटिक रूप से। इसके अलावा इस जनपद में 99 मतदान केंद्र हैं, उसके लिए हमारे 61 मोबाइल हैं, 61 मोबाइल्स हैं जो मोबाइल वहाँ पर देखते रहेंगे कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा हमने महिला QRT भी बनाई है। मतदान केंद्रों पर हमने कोशिश की है कि ऑफिसर्स की प्रेजेंस भी लगातार रहे। 8 जोन में डिवाइड किया है, 26 सेक्टर है, तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था कोशिश की गई है कि अच्छी व्यवस्था। ये थी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से वसीम खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।